श्री संतोषी माता मंदिर धाम लाल सागर जोधपुर राजस्थान में पहुंच चुके हैं। कहाँ से आप? बाड़मेर से आए हैं और माँ का हुक्म हुआ तब 9 दिन यहीं रुके थे। सब मनोकामना पूरी करे, माता रानी आता सब मनोकामना पूरी करे। अगर आपको रियल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हे गाइस, स्वागत है आपको दोबारा से प्राजुल व्लॉग में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मंदिर का व्यू। तो आज मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पूजनीय मामा श्री बताएंगे, तो अभी मैं उनको देता हूँ। जय माता की। फाइनली हम यहाँ श्री संतोषी माता मंदिर धाम लाल सागर जोधपुर राजस्थान में पहुँच चुके हैं। बहुत पुरानी यादें हैं इनसे, करीब 30 साल पुराने, 30-35 साल पहले आया था यहाँ पे। अब सब कुछ बदल चुका है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे धर्मशाला भी बन गई है। और ये पेड़ हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते थे, आज बहुत बड़े हो गए हैं। ये पहाड़, इन पे बचपन की यादें हैं। इन पे गेट है माता मंदिर का, संतोषी माता जी का, और यहाँ से हम एंट्री करते हैं माता जी के। जय माता की। जय माता की। हाथ जोड़ो भैया, सभी हाथ जोड़ के माथा टेक के चलो। जय माता दी। जय माता की। जय माता की। जय माँ संतोषी, प्रगट श्री संतोषी माता मंदिर। और गाइस, पहले ना यहाँ पे ये शॉप्स वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, पूरा का पूरा खंडर कैसा होता था, जंगल, पूरा का पूरा जंगल हुआ, पूरा का पूरा जंगल हुआ करता था यहाँ पे। ये मिठाई की दुकान है शुद्ध देसी घी की, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। भैया क्या क्या रखा हुआ है? अरे देसी घी का प्रसाद है भाई, यहाँ से आप देसी घी का प्रसाद ले सकते हैं। चने का प्रसाद बाकी साहब है, देसी घी का पेड़े वेड़े भी होगा ना यहाँ पे। मावा 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 रखा हुआ भैया ने। अखबार का टुकड़ा देना है, देखो हीरा पानी। धन्यवाद भैया। कहाँ से आप? बाड़मेर से आए हैं। भादुरगढ़, बाड़मेर राजस्थान। ये कहाँ? अच्छा राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान से। अच्छा, हम यहाँ आए माता जी के दर्शन करने के लिए, और माँ का हुक्म हुआ तब 9 दिन यही रुके थे। अच्छा, 9 दिन अखंड नवरात्रि, पूरे नवरात्रि यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज माँ का हुक्म में वापस रवानगी। जय माता जी। जय माता जी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, और माँ का हुक्म हुआ तभी आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार नाम है, मैं गोदारा जाट हूँ, बाड़मेर का। गोदारा जी। हाँ आइए जी। और आप? मेरा नाम अशोक गोदारा है, मेरे पापा का नाम नरेंद्र कुमार चौधरी है। हाँ। और हम 9 दिन यही है। अच्छा लगा माता जी का? माता जी बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे शांति मिली, सुख शांति है। माइक ले लो, इनको 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 दे दो। मेरा नाम युवराज गोदारा है, मैं यहाँ पे कल ही आया था, मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते 9-10 दिन से। जय माता की। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? माता रानी ने आपके क्या क्या काम किए हैं? सब मनोकामना, सब मनोकामना पूरी करे माता रानी आता है, सब मनोकामना पूरी होती है, सारी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे आके। तो देखा जी, यहाँ पे माता रानी सबकी मनोकामना बहुत अच्छी तरह पूरा करती हैं। जय माता की। जय माता की जी। जय माता जी। जय माता जी। आप कहाँ रहते हैं जी? यहाँ मंदिर में ही। मंदिर में रहते हैं जी। मंदिर में क्या क्या सेवा करवाते हैं आप? मंदिर का मैनेजमेंट। माइक थोड़ा सा ना पास ले लो। हाँ। मंदिर का मैनेजमेंट। अच्छा, और अपनी दुकान है ये माता जी के चरणों। यहाँ पे मतलब कोई भी अगर बाहर से आएगा उसके लिए पूरी पूरी सुविधा है ना? वो तो मंदिर में माता के भक्तों के लिए पूरा आंचल खुला ही रहता है माँ का। भंडारा किस टाइम होता है यहाँ पे? हर फ्राइडे को। ओनली फ्राइडे? ओनली फ्राइडे। अच्छा, और अभी जब ये 9 दिन नवरात्रे के थे तब हमेशा था या तब भी फ्राइडे को ही था? नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा चल रहा था। अच्छा, 9 दिन पूरे रहेगा। चलो, जय माता दी। जय माता दी। Thank you.
अगर आप पढ़ना चाहें तो यह संतोषी माता की चालीसा और ये दुर्गा नामावली स्रोत और ये है, यह आरती माता की और माता की एक कथा, इन सब फोटोज में दिखा रखी है। तो गाइज आपने देखा माँ संतोषी माता का मंदिर, ये दिखाने में तो बड़ा इजी है बट अगर आपको रियल का एक्सपीरियंस चाहिए ना तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और ये जो सारी की सारी जो कथाएं हैं ना वो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ और पूरी की पूरी ना रियल स्टोरी है, ऐसे नहीं है कि ये बना बुनो के डाल रखे है, नहीं पूरी पूरी रियल स्टोरी है। लेकिन आप आओगे ना आपको एक अलग ही फील आएगी, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी शांति है ना, इतनी पीस है ना कि आप पूछो मत। जो माता के भक्त उनको तो पता ही है कि हर जहाँ पे अभी वो जाते हैं कोई मंदिर खाटूश्याम या कोई और साईं राम साईं बाबा के मंदिर तो वहाँ पे कितना पीस होता है, वैसे ही जो संतोषी माता के भक्त हैं वो यहाँ पे आएंगे ना तो उनको पीस ही पीस मिलेगा, यहाँ पे शांति ही शांति मिलेगी। तो आइए हम आपको ना मंदिर दिखाएंगे आगे से, चलो। तो गाइस हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं खाने पीने के लिए। चलो ठीक है, अब खाएंगे पिएंगे, खाएंगे पिएंगे और घूमेंगे और फिर अब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ऐश करेंगे। दर्शन हो गए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेटों में चूहे कूद रहे हैं बहुत तगड़े। अरे मेरे बेटे को भी ले लेना यार, बेचारा भूखा है वो सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा भूखा है, सबसे ज्यादा भूखा है, उसने बस खाली दूध पिया और हमने कुछ नहीं खाया, सबसे ज्यादा भूखा है वो।